5, 4, 3, 2, 1, and let's go! Welcome to the Tanaz Vlog! Assalamualaikum, my YouTube family. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे. तो जिसमें कि आप लोग देख रहे हो, पालक मैंने ऑलरेडी पीस ली है और गेहूं का आटा है और इसमें जाएगा हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और अजवाइन दरदरा पीसा हुआ. ठीक है, हमने इनको ग्राइंड करके ले लिया है. मैंने यहाँ पे पालक और आटा मैंने मिक्स कर दिया था और इसको मैं शूट करना भूल गया, आई एम सॉरी. देखिए मैंने यहाँ पे चिली जो मैंने अभी पीसी थी हरी मिर्च, उसको मैंने उसमें डाल दिया है पीस कर. अब मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ले ली है. इतनी ज़्यादा तो हमें नहीं लगेगी, बट मैं इसको भून के रख लेती हूँ, बिकॉज़ अगर आप भून के कोई भी चीज़ रखते हो तो वो अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है. तो बस मैंने इसमें से एक आधी कटोरी मैंने इसमें तिल ले ली. इसको भी हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, मोटा मोटा सा, ज़्यादा इसको पीसना नहीं है. इसको भी हम इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे. ठीक है, और फिर इसका हम आटा डो बना लेंगे. ठीक है, जो मैं बना रही हूँ डो इसका, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. इसमें हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक. और जैसे हमारे यहाँ पे मिलता है ना पूरी एक पालक की गड्डी, तो वैसे पूरी एक पालक की गड्डी मैंने ली है. देखिए हमारा डो बन के रेडी है. इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और हम बनाएंगे पालक के पराठे. जी हाँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बेलना मैंने स्टार्ट कर दिया है. कभी कभी बीच में सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो भूल जाती हूँ वीडियो ऑन करना. देखिए गैस ऑन कर ली है मैंने और ये मेरा पहला पराठा पालक का रेडी है. तो आप इसमें जैसे सबको जो पसंद है, पसंद के अनुसार आप इसमें बटर लगा सकते हो, असली घी लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपका स्वाद है आप इसको लगा के सर्व कर सकते हो. तो मैं तो अमूमन जैसे हमारे घर में सबको ऑयल वाला ही पसंद आता है. जब किसी को घी वाला पसंद आता है खाना होता है तो वो घी वाला बोल देते हैं, किसी को बटर का खाना है तो बटर वाला बोल देते हैं. तो मैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना लेते हैं. ठीक है, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बटर या फिर घी शामिल कर सकते हैं. तो माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे हमारे पालक के पराठे बने हैं और ये उतने ही टेस्टी बने थे. और पूरा दिन मैं बहुत बिजी थी तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी ये वीडियो. तो मैंने सोचा चलिए बैठी हूँ तो अपलोड कर देती हूँ, या तो आप लोग भी पालक के पराठे देख लें. क्योंकि कुछ है मेरी फ्रेंड्स जो मुझे कह रही थी कि पालक के पराठे दिखा दो, पालक के पराठे दिखा दो. तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ. तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने. ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना. ओके, और पालक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये तो सभी जानते हैं. बट छोटे बच्चे हैं जिनके घर में होते हैं तो हमें पता है कि वो मतलब खाते नहीं है पालक. तो आप इस तरीके से उनको बना के खिला सकते हो, बड़े मज़े से चटखारे लेके खाएंगे. आप इसको जाम के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हो, अचार के साथ सर्व कर सकते हो, किसी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हो. ठीक है, तो ये ऑप्शनल है. बाकी की चीज़ें जैसे मैंने बताया दही, अचार एंड केचप, बट बच्चों को यही चीज़ें पसंद आती है. और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. अल्लाह हाफ़िज़.